काशीपुर में शनिवार को एक युवक की मौत को जहां पुलिस मृग दुर्घटना मान रही थी, लेकिन सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो ने घटनाक्रम का पूरा खुलासा कर दिया है, जहां स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि युवक ने खुद ट्रक के नीचे आकर आत्महत्या की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हम आपको बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा निवासी इश्तियाक हुसैन शनिवार को रमजान के पाक महीने में रोजा इफ्तारी के लिए तांडा तिराहे के समीप फल लेने गया था, जिसकी ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई थी, जिस पर परिजन ट्रक चालक पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। तो वहीं पुलिस भी मामले को मृग दुर्घटना मान रही थी, लेकिन रविवार को सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम को पलट कर रख दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फुटेज से साफ प्रतीत हो रहा है कि मृतक युवक इश्तियाक हुसैन ने जानबूझकर ट्रक के नीचे आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। ये कल का प्रकरण है काशीपुर टांडा तिराहे का। इसमें एक आदमी एक ट्रक के नीचे आ गया था, बाद में जिसकी मौत हो गई थी। इनिशियली हम लोग भी इसको एक्सीडेंट मान रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा हमारा लगा हुआ है, उसकी फुटेज जब हमने देखी तो उसमें नज़र आया कि उस आदमी ने उस ट्रक के नीचे स्वयं से आया है। बाद में उसका बैकग्राउंड हमने पता किया तो ये पता चला है कि वो डिप्रेशन में था, डिप्रेशन के कारण उसने ये कदम उठाया है। अभी इसमें उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा वगैरह हो गया है, जाँच इसमें हमारे स्तर से चल रही है। देखिए वो आदमी बीमार था और थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था, और इनिशियली उसका अपनी पत्नी से थोड़ा झगड़ा हुआ था, इतनी बात हमें मालूम चली। बाकी इसमें ये जांच का विषय है।